तेरे रंग में मैं रंग जावा, तेरे बाद में जी नहीं पावा। क्या मगर ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है? तुम्हारी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स इस दफ्तर तक कैसे पहुंची? तुम भी जानते हो ये हरकत कौन कर सकता, मगर अफसोस मेरे पास कोई सबूत नहीं है। How disgusting. ऐसी हरकत की तवक्को नहीं थी मुझे उनसे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मुझे तो लग रहा था अपॉइंटमेंट लेटर भी दे देंगे आज, पर अचानक सब बदल गया और उनके भी मुंह पे चुप्सी लग गई। मुझे नहीं लगता कोई पॉजिटिव रिस्पांस आएगा वहां से। और तुम ये सब मुझे इतने आराम से यहाँ खड़े खड़े बता रहे हो? मेरा तो ख्याल था अभी तक तुम शेरी और उसके दोस्तों के सर फाड़ चुके होगे। ऑफिस से निकलते वक्त मेरी भी यही सोच थी, मेरा तो रुख भी शेरी के अपार्टमेंट की तरफ था, पर अचानक वो एक बच्चा मेरी बाइक के आगे आते आते बच गया और उसी हंगामे में ना जाने मैंने ध्यान खो दिया। Is everything okay? कोई परेशानी की तो बात नहीं है ना? नहीं, पर ये साजिश मैं नहीं भूला। चलो उठो, जवाब लेकर। एक मिनट रुको, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? उस शख्स का पता करने जिसने उस वक्त मेरी पुरानी रिपोर्ट्स वहाँ भेजी। Are you guys crazy? यही तो वो चाहता है कि तुम गुस्से में आके कोई ऐसी हरकत कर दो जिससे वो सच्चा साबित हो जाए और तुम उसकी बहन की नजरों में गिर जाओ। और सैम, तुम भी चल पड़े। तो हम क्या करें, हम बस खड़े खड़े देखते रहें? शुक्र है खुदा का कि तुम ठीक हो। डॉक्टर ने तो मुझे डरा ही दिया था। डॉक्टर्स का तो काम ही डराना है। इससे आज मैंने कॉल करवाई थी, तुम लेट जो गए थे। क्यों करती हो ऐसा? तुम्हें तो पता है ना कि मेरा दिल तुम्हारी जानिब हर वक्त धड़का रहता है। आइंदा ऐसा मत करना। तुम्हारा धड़कना तब मेरे साथ जाएगा। लाज तो बस एक बहाना है। क्यों करती हो ऐसी बातें? तुम्हें पता है कि दुनिया में लाखों लोग इस खतरनाक कैंसर की बीमारी से सेहतयाब होते हैं। तुम्हारा तो फर्स्ट स्टेज है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और तुम अमेरिका से आई क्यों? हाँ, वहां तो बहुत अच्छा इलाज होता है। बस ऐसे वक्त में मट्टी अपने पास बुलाती है। मेरा कुमार भी तो इसी से बना है। तुम एक बार तौकीर से मिल लो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। उसे तो पता भी नहीं कि तुम पाकिस्तान आए। उसे मेरी तरफ भी क्या होगा, क्या बात करूंगी? चैप्टर मैंने अपनी जिंदगी से खुद खत्म किया, इसके फर्क पलटने से क्या फायदा? मैं जानता हूं तुम सनी से मिलने के लिए बेचैन हो। मिल लो उससे, या मुझे बताओ, मैं उसे ले आता हूं। अब तो वो बड़ा हो चुका होगा और तुम्हें याद भी करता होगा। इसीलिए मेरे से तो डर लगता है इस वक्त यार, उसको छोड़ जाने वाली माँ जब उसे मिलेगी, पता नहीं मैं उसको फेस भी कर सकूंगी या नहीं। Don't do this.
love you. I love you too. तो तुम चाहती हो कि वहां शेरी अपनी चालें चलता रहे और हम बस यहाँ बैठे उसकी अगली चाल का इंतजार करें। ऑब्वियसली आर्यन की मेडिकल रिपोर्ट्स शेरी ने भेजी है इंटरव्यू पैनल को। ठीक है, ये बात मैं मान सकती हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ हमारे पास क्या प्रूफ है। और आर्यन, तुमने तो खुद कहा था ना कि कंपनी ने इंटरव्यू से पहले हर एप्लीकेंट की पुलिस वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाई है। तो कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं कि आर्यन के बारे में ये सारी मालूमात पुलिस स्टेशन से मिली होंगी। हाँ, ये बहाना किया जा सकता है क्योंकि शहरी पहले कह चुका है कि सारी मालूमात उसे उसी थाने से मिली है जहाँ मरियम ने उन्हें बंद करवाया था टीना पर हमले के इल्जाम में। हाँ, मगर हम तीनों ये जानते हैं कि शहरी झूठ बोल रहा था उस वक्त भी। पुलिस को क्या जरूरत है आर्यन के मेडिकल रिकॉर्ड्स कंपनीज को भेजने की? मैं तुम्हारी ये बात भी समझती हूँ, लेकिन इससे एक शक पैदा हो जाएगा और देखो इस शक का फायदा सिर्फ शेरी को जाएगा। देखो, मैं तुम दोनों से सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जज्बात में आके कोई कदम ऐसा मत उठाना कि हमें बाद में नुकसान हो। तो मतलब हम मरियम को ये भी नहीं बता सकते कि उसका भाई हमारे साथ कितना घिनौना खेल खेल रहे हैं। मरियम तक ये बात जरूर पहुंचेगी, लेकिन ये काम मैं करूंगी एंड आई विल मेक श्योर कि शेरी तक ये पैगाम लाउड एंड क्लियर पहुंचे। ओके। जुदा करने के लिए ड्रामे रचा रहा है यार, खेल खेल रहा है वो। Don't you understand? आर्यन मेरी बात सुनो, अगर वो ऐसा कर भी रहा है, ऐसा ड्रामा कर रहा है, तो प्लीज उसकी बात सुन लो ना। तुम उसे बता दो कि तुम हर शर्त कबूल कर लोगे। हाँ, क्या पता कि आर्यन को पागलपन के दौरे अभी भी पड़ते हैं या नहीं पड़ते। तीन महीने तक ये जो तुम्हारा गुस्सा है, इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। एक अच्छी सी स्टेबल जॉब ढूंढो। और हाँ, मरियम और तुम्हारे बीच कोई मुलाकात नहीं हो सकती जब तक। इसका ये मतलब है कि आर्यन को इस कंपनी ने भी जॉब देने से इनकार कर दिया। मुझे तो लगता है कि अब तक उस तक ईमेल भी पहुंच गई होगी। अच्छा, तो फिर आर्यन की तरफ से इतनी खामोशी क्यों है? उसे ये तो पता चल गया होगा कि इस बार भी काम तुम्ही ने खराब किया। उसने अभी तक धावा क्यों नहीं बोला? अरे यही बात तो मुझे खटक रही है यार, जब तक धावा क्यों नहीं बोला उसने? जिस तबीयत का आदमी है ना, वो इतनी देर ठंडा नहीं रह सकता। वो इसका ये मतलब है कि वो भी हमारा गेम समझ चुका और अब हर कदम वो भी फूंक फूंक के रखेगा। अपने इसी सबूत के बगैर रिएक्ट नहीं करेगा वो। फिर तो और मजा आएगा।
फिर तो बहुत मजा आने वाला है। इसको इस तरह देख के ना यार मेरा कई किलो खून बढ़ जाता। जब से ये इतनी बेचैन क्यों रहती है? मेडिकेशंस की वजह से ऐसा होता है। एक दो दिन इनको बेचैनी थोड़ी ज्यादा रहेगी। यू टेक केयर ऑफ हर। थैंक यू। कभी कभी इन बेचारे डॉक्टर से बहुत तरस आता है। तसल्ली के तो जुमले भी ढंग से नहीं बोल सकते। शायद हकीकत जानते हैं ना इसलिए। देखो डॉक्टर ने तुम्हें आराम के लिए कहा है। प्लीज ज्यादा बातें मत करो। अच्छा नाराज तो मत हो। मुझे बताओ मेविश से बात हुई तुम्हारी? ऑफिस कब से स्टार्ट कर रही है? लोग तो सारे अपॉइंट कर लिए होंगे ना उसने। तुम जानती है वो अपनी मर्जी की मालिक है। जब उसका दिल चाहेगा वो अपना ऑफिस एस्टेब्लिश कर लेगी। वो किसी की कहां सुनती है। उसने अभी तक नहीं माफ किया ना तुम्हें और ना मुझे। मैं तो उसकी मुजरिम हूं। तुम्हें उससे छीना मैंने। एक बेटी से उसके बाप को छीनने वाली गुनेगार। देखो ये वक्त पुरानी बातें करने का नहीं। उसने भी तो तुमको दिल से कबूल नहीं किया ना। अपने अंदर के तमाम दरवाजे तमाम खिड़कियां उसने बंद कर ली। तभी तो वो मामी की तरफ चली गई। इस सौतेले में कितना जहर भरा होता है। मगर असवंद यार मैं तो किसी सगी ना बन सकी। ना अपने बेटे की और ना तुम्हारी बेटी की। देखो तुम्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। डॉक्टर ने ज्यादा बात करने से मना किया है। आज भी कितने स्मूथली टॉपिक चेंज कर लेते हो। मेरा दिल है कि तुम महवेश के ऑफिस एस्टैब्लिश करने के बाद उसके साथ रहो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। उसे तुम्हारी जरूरत है, चाहे वो तुमसे कहे या नहीं। Promise me. Promise. कौन है? कौन है? तुम यहाँ? क्या हुआ? हैरत हो रही है मुझे देख के कि तुम्हारी गोली से कैसे बच गई। तुम्हारी बहन नहीं बचाया है मुझे, बताया तो होगा उसने। हाँ बताया, लेकिन यहाँ क्या कर रही हो? मरियम से मिलने आई हूँ मैं। क्यों? कौन आया? हटो। नहीं वो टीना। हाय कैसी हो? सो गुड टू सी यू। अंदर आओ ना। आपका भाई जाने का रास्ता देगा तो आऊंगी ना। शेरी हटो। कम कम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम सुना? मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था मरियम, यहाँ तक के उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी टाइप होने वाला था। तो फिर लास्ट मिनट ऐसा क्या हुआ टीना? तुम यकीन नहीं करोगी,
एन उसी वक्त किसी ने आर्यन की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स इंटरव्यू पैनल को भिजवा दी एंड आई एम श्योर कि कंपनी की मैनेजमेंट वो देखकर घबरा गई होगी और रिजेक्ट कर दिया होगा आर्यन को। तुम क्या बात कर रही हो, इतनी गिरी हुई हरकत कौन कर सकता है? किसी के फ्यूचर को इस तरह कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ये तो खैर हमें भी समझ नहीं आ रहा कि कौन कर सकता है ये हरकत, लेकिन एक बात हम जरूर जानते हैं कि कोई ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि आर्यन को ये जॉब मिले। वैसे भी तुम जानती हो कि मोहब्बत के दुश्मनों की तो इस शहर में कमी नहीं है। मुझे लगा मुझे भूल गए। आर्यन अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलता। और आज आपने मुझे बाइक की राइड भी देनी है। बिल्कुल मिलेगी, लेकिन पहले मुझे बताओ खान अंकल कहाँ हैं? खान अंकल। अरे आर्यन यार, अच्छा हुआ तुम आ गए। बिल्कुल ने तो मेरी जान खा ली थी। चलो बेटा जाकर वो जैकेट पहन के आओ, फिर अंकल तुम्हें लेके जाएंगे, ठीक है? क्या बात है, आज फिर किसी उलझन में उलझे हुए? कोई एक हो तो बताऊं ना सर, या तो जैसे उलझनों ने दिल का रास्ता देख लिया हो। आर्यन मुझे बताओ अपनी उलझन, हो सकता है तुम्हारी उलझन का मेरे पास कोई हल हो। फिलहाल तो जॉब ना मिलना सबसे बड़ी उलझन बनती जा रही है। तुम्हें जॉब की तलाश है? हाँ, किसी ने शर्त रख दी है खुद को मनवाने की। पहला सबूत नौकरी की सूरत में मांगा है मुझसे मेरी सच्चाई को। तुमने एक दफा मुझे बताया था कि तुमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है और ऑटोमोबाइल में दिलचस्पी है तुम्हें। जी ऐसा ही है, लेकिन उसी सिलसिले में दो बड़ी कंपनी से रिजेक्ट हो चुका हूँ। तुम रिजेक्ट हो चुके? अनबिलीवेबल। मेरी नजर में एक कंपनी है। ये तुम जाओ इस एड्रेस पे तो शायद तुम्हें जॉब मिल सकती है। बहुत सुना है मैंने इस कंपनी के बारे में, मगर ये महविश कौन है? मेरी बेटी है। आपकी बेटी? आती जाती रहा करो टीना, बहुत अच्छा लगता है जब तुम आती हो। तुम फिक्र नहीं करो, वैसे भी बिन बुलाया मेहमान बनकर आने का मुझे बचपन से शौक है, तो मैं जरूर आऊंगी। इसे अपना घर समझो और मुझे फोन करना अगर किसी चीज की जरूरत हो। ओके, तो फिर चलूं मैं? आई मीन आपको किसी को मैसेज तो नहीं भिजवाना? नहीं, एक मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, बस हमें हिम्मत करनी होगी। पर थैंक यू एंड कॉल मी इफ यू नीड एनीथिंग। अपना ख्याल रखना। चलो I'll see you off. Oh, nice. चली गई। ख्याल रखना अपना। हाफिज। खुदा हाफिज। क्यों बाहर आते हैं जब घर पे कोई होता है तो? पहले क्यों नहीं आ सकता? शेरी? आर्यन की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स तुमने उसके ऑफिस में भेजी है? रिपोर्ट्स? कौन सी रिपोर्ट्स?
मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। ओ, तो ये आर्यन की जो फ्रेंड आई थी, तुम्हें उसका ये पैगाम लेने आई थी? एक्चुअली अपने मामू के पास रहती है, मुझसे नाराज होके चली गई थी। बस यूं समझो कि मामू और मोमानी ने इसे पाला। अगर आपसे भी नाराज हैं तो भला मेरी दाल कहाँ गलेगी? आई मीन मुझे जॉब क्यों देंगी? वो बड़ी प्रोफेशनल है, अगर उसे तुम्हारा काम पसंद आ गया तो तुम्हें कहीं ना कहीं जरूर फिट कर दे। अच्छा, मैं पूछ सकता हूँ ऐसी क्या नाराजगी है बाप बेटी के दरमियान? लंबी कहानी है, फिर बता। ओ वाह भाई, पिंकू आ गए, चलो जा, जाओ भाई। चलें, अब चलें। मैं फिर ओके। यस। लेट्स गो। एक्साइटेड फॉर द बाइक राइड? हाँ? देखो आज मैं ये वाली लाया हूँ। लाओ। सेम है या डिफरेंट है, बताओ मुझे। थोड़ी सेम है। सेम है, चलो। मैं तुम पर ब्लेम नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ। मुझे क्या ख्वाब में आया था कि वो जिन कंपनीज में गया इंटरव्यू देने के लिए, वहां से कब उसको कॉल आएगी और कब कोई उसको वहां कोई रिपोर्ट्स भेज देगा? तुम क्या कहना चाहते हो? मेरे कहने का ये मतलब है कि आर्यन की खुद की प्लानिंग है। तुमने ही कहा था ना कि उसकी नेचर में नहीं है कि वो जॉब नहीं कर सकता। ये आर्यन की प्लानिंग होगी। हाँ, मुझे लगता है कि उसने जॉब से बचने के लिए बहाना कर दिया होगा और सिर्फ उसी वक्त जब उसको कॉल आई इंटरव्यू के लिए तभी ये सब कुछ हुआ। How childish it is. Seriously. शेरी, मुझे पता है कि आर्यन से बहुत सारी गलतियां हुई हैं पास्ट में, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरे लिए बदल रहा है। नहीं, तुम्हें नहीं पता है, मुझे पता है। मुझे दिख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम उसे फिक्स करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा पेशेंट है और वो एक नार्सिसिस्ट है, ये उसका पैटर्न है और उसे लगता है कि दुनिया उसके हिसाब से चलती है और तुम ये फिक्स नहीं कर सकती। मरियम, उसकी थेरेपिस्ट नहीं हो तुम। तुम्हारी उनको मुझसे बेहतर नहीं जानते। आई विश कि तुम देख सकती जो मुझे नजर आ रहा है। मरियम, मुझे ना एक मैस नजर आ रहा है और वो जो ये जॉब ढूंढने के ड्रामे कर रहा है ना, वो तब तक करेगा जब तक उससे बोर नहीं हो जाता, जैसे वो एक दिन तुमसे बोर हो जाए। छोटा बेबी है, उस पर प्रेशर डालना बंद करो। तुम जितनी भी कोशिश कर लो ना, वो सेटल नहीं होगा क्योंकि ये उसका पैटर्न है। तुम जब इस जोन से बाहर निकलोगे ना शेरी, तुम्हें तब पता चलेगा कि दुनिया कैसी है। आर्यन मेरे लिए जैसा भी है, सही या गलत, उसका फैसला तुम मत करो। तुम बस अपनी शर्तों पर कायम रहना, बाकी मैं और आर्यन संभाल लेंगे। और एक बात और, मेरे और आर्यन के रिलेशनशिप के ऊपर आज के बाद कमेंट मत करना। आई हूं तुम्हारा मैं, आई हूं। साइंस और मज़हब का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वक्त के साथ साथ सारी गुत्थियाँ जो हैं वो सुलझती चली गई। इंसान ने जाना है कि मज़हब का सफ़र उसको कुल से जुज़ की तरफ लेकर जाता है और साइंस उसको जुज़ से कुल की तरफ जाने का रास्ता दिखाती है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो है वो इस दुनिया में बहुत महदूद मुद्दत के लिए आता है। And then time is over, he has to go. अब थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करें कि मैडम क्यूरी, आइंस्टाइन, ये लोग एक एक हजार साल की जिंदगी लेकर आए होते इस दुनिया पर, तो आज हमारे इर्द गिर्द की दुनिया कैसी होती? हाँ सर, इसका मतलब ये है कि कुदरत को कोई जल्दी नहीं है, वक्त अपनी रफ्तार पे ही चलता है और हर चीज अपने तयशुदा वक्त पर ही होती है।
एब्सोल्युटली राइट। इंसान जैसे साइंस की मेराज समझता है वो पहले से तयशुदा अमल है, इसीलिए हमें खोज और तहकीक करने का हुक्म दिया गया है ताकि हम इस दुनिया में मौजूद खजाने जो हैं उनका खोज लगा सकें। एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है, इंसान सिर्फ दरियाफ्त करता है, कुछ ईजाद नहीं करता। You mean a man can only discover, he cannot invent? मैं कुछ समझी नहीं सर। तो फिर ये जो इतनी सारी इंसानी इजादात हैं, क्या ये सब ह्यूमन इन्वेंशंस नहीं है? क्या इंसान ने इस दुनिया में मौजूद हवा, मिट्टी, अनाज, पानी ये सब कुछ इजाद किया है? नहीं, ये पहले से मौजूद था, इट वाज ऑलवेज देयर, सो ही डिस्कवर्ड इट। हाँ, अलबत्ता दरियाफ्त वो अजल से अबद तक करता चला है और करता रहेगा, क्योंकि अभी भी दुनिया में कई मैटर्स जो हैं वो टोटली अनडिस्कवर्ड है। Everything is clear now. तो बस फिर प्रेजेंटेशन की तैयारी करें, हमें ये टेंडर हर हाल में चाहिए। Your CV, please. CV तो अच्छी है आपकी, फिर असवान साहब की सिफारिश की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने उनसे सिफारिश का नहीं कहा, असल में वो जो खुद ही बता रहे थे कि उनकी बेटी के फर्म में। मिस्टर आर्यन, ये फर्म किसी की बेटी या रिश्तेदार की नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर कोई रिश्ते निभाने के लिए मौजूद हूँ। प्लीज टॉक लाइक अ प्रोफेशनल। जी मैम, अब मैं भी यही चाहता हूँ कि मुझे मेरी काबिलियत के हिसाब से मेरिट पे ट्रीट किया जाए, किसी के हवाले या रेफरेंस से नहीं। तो फिर ठीक है, एक क्वालिफाइड इंजीनियर की तरह आपको कुछ फील्ड टेस्ट से गुजरना होगा। हमारे पास पोस्ट वेकेंट है, बट आपको ये बताना पड़ेगा कि आप उसके अहल हैं या नहीं। I would love to. आजम साहब को मेरे पास भेजें। मैडम, आपने बुलाया था? जी, आप इनको अपने साथ ले जाएं। कुछ फील्ड टेस्ट का बताया मैंने इन्हें, तो आप गाइड कर दें कैसे और कहां होगा। ओके ओके मैडम, आइए।
आई विश कि तुम देख सकती जो मुझे नजर आ रहा है मरियम। मुझे ना एक मैस नजर आ रहा है, और वो जो ये जॉब ढूंढने के ड्रामे कर रहे हैं ना, वो तब तक करेगा जब तक वो इससे बोर नहीं हो जाता, जैसे वो एक दिन तुमसे बोर हो जाएगा। एक छोटा बेबी है, उस पर प्रेशर डालना बंद करो। तुम जितनी भी कोशिश कर लो ना, वो सेटल नहीं होगा, क्योंकि ये उसका पैटर्न है। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद आर्यन के रास्ते से हट जाऊंगी। लड़का अपने काम में माहिर है मैडम। मॉडर्न मशीनरी के बारे में काफी समझबूझ है उसे। मेरे हर मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब बड़ी तफसील से दिया है उसने। I think he's the right candidate for the post. ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो उसको हायर कर लीजिए, और सैलरी और पैकेज के बारे में पहले से डिसाइड कर लीजिएगा। आपको ये सुनकर हैरत होगी मैडम कि उसने अपनी सैलरी पैकेज के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। ऐसा लगता है जैसे उसे कोई गर्ज ही ना हो, बस काम करना चाहता है। That's strange. जो भी है, ये सारे मामलात पहले से तय होने चाहिए। मुझे बाद में किसी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। ठीक है? जी मैडम, मैं बात कर लेता हूँ, और आर्यन का अपॉइंटमेंट लेटर भी आज ही। शुक्रिया। ठीक है। ठीक? Yeah. मैम, may I come in? कहाँ थे तुम आर्यन? इतनी देर लगा दी तुमने, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बताओ तो सही कुछ। कम ऑन यार आर्यन। रुको यहाँ पे, क्या हुआ है? इंटरव्यू के लिए गए थे ना तुम? वही हुआ जिसका डर था। क्या मतलब? उन्होंने भी तुम्हें? हाँ, उन्होंने भी जॉब दे दिया। What? Congratulations, man. Congratulations. Congrats. I'm so happy for you. मैं अभी जाके मरियम को बताती हूँ। आज तो पार्टी करती है मेरे दोस्त। Done. चलो। Are you serious? तुम्हारी बात हुई आर्यन से? क्या कह रहा था? That's a very good news. Thank you, Tina. Thank you so much. हाँ, तुम लोग जाओ, we celebrate करो, ठीक है? But मुझे बाद में phone करना, okay? Yeah. खुदा हाफिज़। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, शेरी, वो आर्यन got a job.